हेलो फ्रेंड, तो कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। आप देख रहे हैं टेक्निकल फिक्स चैनल और आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम किस तरह से ब्रेव ब्राउजर के अंदर क्रिप्टो वॉलेट को क्रिएट कर सकते हैं और उसका एक मुकम्मल सेटअप बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने सबसे पहले ब्रेव ब्राउजर को ओपन कर लेना है अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में। जैसे ही आप यहाँ से ब्रेव ब्राउजर को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर वॉलेट का एक ऑप्शन दिया गया है और साथ ही आपने यहाँ पर 3 लाइन्स पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ से वॉलेट्स में जाना है। जैसे भी आप वॉलेट पर क्लिक करेंगे आप देखते हैं यहाँ पर वॉलेट के ऑप्शन में आप आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं, एक है क्रिएट ए न्यू वॉलेट और दूसरा है एक्सपोर्ट एग्जिस्टिंग वॉलेट। अगर आपका पहले से वॉलेट मौजूद है तो आप यहाँ से इम्पोर्ट वॉलेट भी कर सकते हैं। अगर आपने न्यू वॉलेट बनाया है तो आपने यहाँ से क्रिएट ए न्यू वॉलेट पर क्लिक करना है। क्रिएट न्यू वॉलेट पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से आई अंडरस्टूड पर क्लिक करना है, आई हैव एग्री टर्म्स एंड कंडीशन को क्लिक करना है। इसके बाद आपने यहाँ से कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपने यहाँ पर एक सिक्योर सा पासवर्ड देना है, वो पासवर्ड जो आप वॉलेट को लॉगिन करते वक्त आपको जरूरत पड़ेगा। पासवर्ड देने के बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट करना है। जैसे आप यहाँ से नेक्स्ट करेंगे तो इसके बाद आपने यहाँ से गोडेड करना है। यहाँ पर आपको वॉलेट के कुछ फ्रेज दिए जाएंगे, ये 12 वर्ड जो होंगे आपने इन्हें किसी पेपर पर लिख लेना है। बेहतर होगा कि आप इनका स्क्रीनशॉट ना लें क्योंकि स्क्रीनशॉट किसी भी वक्त डिलीट हो सकता है या आपके कंप्यूटर की विंडोज़ या ब्राउज़र किसी वक्त कोई करप्ट हो सकता है। तो अगर आपको उसमें फ़ंड पड़ा होगा आपके वॉलेट में तो वो आप रिकवर नहीं कर सकेंगे अगर आपके पास ये फ्रेज नहीं होंगे। तो बेहतर है कि आप इन्हें किसी पेपर पर लिख लें। मैं वक्ती तौर पर ये वीडियो के लिए अपने कंप्यूटर में ही इसे नोट पैड में फ़िलहाल इसे रखता हूँ, लेकिन आपने इसे लाजमी किसी पेपर पर लिखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर इसे लिख लिया है। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से नेक्स्ट करना है। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर पर वर्ड है आपने वो सेलेक्ट करना है, इसके बाद 8 नंबर पर और उसके बाद जो 10 नंबर पर जो वर्ड है आपने वो सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ से इसे यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट नंबर पर जो है वो मून है, इसके बाद यहाँ पर 8 नंबर पर 1 2 3 4 5 6 7 8 बालकनी है, और इसके बाद आपने यहाँ 10 नंबर पर करना है समर है। तो इसके बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से आपने डन करना है। जैसे आप डन करेंगे तो यहाँ पर आपका जो क्रिप्टो वॉलेट है वो क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर जो आपका बैलेंस वगैरह होगा वो यहाँ पर शो होगा, जो भी आपके पास बैलेंस होगा वो यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा। नेक्स्ट आप यहां से मर्कीर को देख सकते हैं, जो भी रेट वगैरह चल रहे हैं इस वक्त जिस भी क्रिप्टो के, आप यहां से इसको वॉच कर सकते हैं। इसके बाद NFTs का सेक्शन है, यहां पर अकाउंट में जाएंगे तो यहां पर आपको अकाउंट का जो डिपॉजिट एड्रेस है वो आपको यहां पर मिल जाएगा। इसके बाद यहां पर 3 डॉट पर क्लिक करेंगे तो यहां पर लॉक वॉलेट है, अगर आप यहां से लॉक करना चाहते हैं तो लॉक कर सकते हैं। बैकअप नाउ, अगर आपने बैकअप नहीं रखा तो आप यहां से दोबारा बैकअप को सेट कर सकते हैं। कनेक्टेड साइट वगैरह हैं। इसके बाद यहाँ से सेटिंग है, सेटिंग ओपन करेंगे तो आप यहाँ पर सेटिंग में आ जाएंगे। जैसे कि डिफ़ॉल्ट एथेरियम वॉलेट है तो आप यहाँ से दूसरे वॉलेट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ब्रेव वॉलेट है और नॉन है। डिफ़ॉल्ट सोलाना वॉलेट, यहाँ से जो वॉलेट सिलेक्ट है आप उसे भी चेंज कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट ब्रेव करेंसी है, करेंसी का यहाँ से आप अपनी मर्जी से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी है जैसे कि बिटकॉइन है, यहाँ से किसी और को भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसकी जो बेसिक सेटिंग है वो कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो सबसे अहम पार्ट है इस वीडियो में वो यही है कि आपने वॉलेट क्रिएट करते वक्त जो इसके फ्रेज हैं, जो इसका बैकअप है, उसे आपने किसी पेपर पर लाजमी तौर पर लिखना है। अगर आपने यहाँ से इथेरियम को डिपॉजिट करना है तो आपने यहाँ से जिस तरह के यहाँ से इथेरियम में सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इस एड्रेस को कॉपी करें और इस एड्रेस पर आप डिपॉजिट कर सकते हैं। सेंड करने हो तो यहाँ से आपने अमाउंट लिखनी है और यहाँ से आपने एड्रेस पेस्ट करना है तो उस एड्रेस पर ये सेंड हो जाएंगे। स्वैप का ऑप्शन भी यहाँ पर आपको दिया गया है। तो आप इस तरह से जो वॉलेट है ब्रेव ब्राउज़र के अंदर उसे क्रिएट कर सकते हैं और उसका एक मुकम्मल सेटअप बना सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका मेरी वीडियो देखने के लिए। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।